ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीवा RPF ने एक फर्जी TT को गिरफ्तार किया है जो मुमरा के जीवन बाग का रहने वाला है, जिसका नाम सलीम हुसैन शेख 32 वर्षीय है। दीवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट चेक करने वाले एक फर्जी TT को दीवा RPF ने गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। दीवा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर एक TT यात्रियों से टिकट चेक कर रहा था। इसी दौरान दीवा निवासी भानु दास, प्रभाकर मिस्त्री, पांडुरंग चंद्रकांत राणे, रविंद्र ओमकार पवार डोंबेवली स्लो लोकल से यात्रा कर दीवा रेलवे स्टेशन पर उतरे। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े, एक व्यक्ति TT के भेष में आया और टिकट चेक कराने के लिए कहा, मगर इन लोगों को उस पर शक हुआ और उससे ID दिखाने को कहा, मगर TT ID कार्ड का नाम सुनते ही घबरा कर कल्याण जाने वाली लोकल ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। सुनकर RPF के MB घोटसरे नीलेश कांबले, PK अत्री ने यात्रियों की मदद से इस फर्जी TT सलीम हुसैन शेख 32 वर्षीय को पकड़ लिया। RPF ने ये जानकारी अपने वरिष्ठों को भी दी। RPF ने जब इससे TT होने का आई कार्ड मांगा तो आई कार्ड नहीं दे पाया। दीवा RPF ने फर्जी TT के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और थाने RPF को सौंप दिया है। अब इस मामले की जांच आगे GRP कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।